नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बगावती तेवर अख्तियार करने वाले सचिन पायलट अब मान चुके हैं। इसी के साथ पिछले कई दिनों से जारी सियासी संकट अब टलता दिख रहा है। हालांकि सचिन पायलट को मनाने के पीछे सबसे बड़ा रोल निभाया कांग्रेस के युवा ब्रिगेड यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने। नई दिल्ली स्थित राहुल गांधी के सरकारी आवास पर सोमवार को हुई मुलाकात लगभग 2 घंटे चली। इस दौरान प्रियंका गांधी भी वहीं मौजूद रहीं। दोनों दिग्गजों ने की पहल पर ही सचिन पायलट एक बार फिर से गिले शिकवे भुलाकर लौट आए हैं। दिन भर की सारी हलचल के बाद सोमवार देर शाम सचिन पायलट पहली बार खुद कैमरों के सामने आए और अपना पक्ष रखा। तो चलिए सुनते हैं सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा। जब मुझे लगा कि इन बातों में जहां पर मुझे आपत्तियां थीं या जहां पर मुझे लगा कि अपनी बात रखना बहुत ज़रूरी है, तो कांग्रेस के समक्ष मैंने उस बात को रखा। मुझे खुशी है कि कांग्रेस अध्यक्षा ने, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने, हम सब ने विस्तार से आज चर्चा करी और हमारे जो साथी विधायक हैं उन सबकी बातों को, उन सबके कंसर्न्स को हमने प्लेटफॉर्म पर रखा है और मुझे आश्वासित भी किया गया है। मैं धन्यवाद देता हूँ इस बात का कि ये 3 सदस्य कमेटी बनकर बहुत जल्द उन तमाम मुद्दों का निराकरण करेंगे जो मुद्दे हम लोगों ने उठाए हैं। मैं फिर कहना चाहता हूँ, सैद्धांतिक मुद्दे थे, गवर्नेंस के इश्यूज से जो मैं चाहता था एड्रेस हों ताकि पार्टी और सरकार उन वादों पर खरा उतर सके जिन वादों को करकर हम सत्ता में आए थे, और पार्टी पद देती है, पार्टी पद ले भी सकती है। मुझे पद की बहुत लालसा नहीं है, लेकिन मैं चाहता था जो मान सम्मान स्वाभिमान की बात हम लोगों ने करी थी वो बनी रहे। राजनीति में आज 18-20 साल से मैंने जो योगदान दिया है व्यक्तिगत रूप से पार्टी के प्रति, पार्टी भी बात को जानती है, पर हमने हमेशा कोशिश करी है कि जिन लोगों ने मेहनत कर इस सरकार का निर्माण किया है उन लोगों की हिस्सेदारी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। मुझे खुशी है कि कांग्रेस अध्यक्षा जी ने आज जो कमेटी का गठन किया है, और ये बात भी जैसा वेणुगोपाल जी ने कहा कि समयबद्ध तरीके से इन सब बातों को सुनकर इसका अच्छा निराकरण किया जाएगा। मैं समझता हूँ ये एक स्वागत योग्य कदम है, इसके लिए मैं कांग्रेस अध्यक्ष का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपको बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने प्रियंका और राहुल के साथ हुई सचिन पायलट की मुलाकात पर क्या कुछ कहा, तो वो भी आपको सुनाते हैं। Against the values, the principles, the ideology of the party, against the national leadership of the party. He talked about his specific issues within his state. And I think in all fairness, his was a specific problem in a specific set of circumstances and not, I think, a kind of denunciation of the Congress party. So the Congress party has every reason to keep its brightest talents within it. आपको बता दें, कांग्रेस की ओर से एक कमेटी का गठन किया गया है जो कि सचिन पायलट की सभी समस्याओं का समाधान करेगी। इन वादों के साथ ही सचिन पायलट मान गए हैं और जल्द ही वो कांग्रेस में किसी बड़े पद पर दिखाई दे सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको ये भी बता दें कि अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। आपको बता दें, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को सचिन पायलट और उनके साथी विधायकों से मुलाकात की, सभी की बातें सुनी, जिसके बाद मंगलवार को सभी विधायक जयपुर जा सकते हैं। यानी 14 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र से पहले ही कांग्रेस ने अपने घर को समेट लिया है। दूसरी ओर कांग्रेस आलाकमान ने अशोक गहलोत से भी बात की, वो भी हॉर्स ट्रेडिंग मामले में नरमी बरतने को तैयार है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।